आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ने के साथ महिला अस्पताल में मरीजों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। पिछले दिनों 500 से अधिक गर्भवती महिलाएं दिखाने आ रही थीं, लेकिन वहीं आज आधे मरीज दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ने के साथ महिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। CMS डॉक्टर कंचन अग्रवाल का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर आवश्यक गर्भवती महिलाएं और बच्चों को OPD में देखा जा रहा है। हाँ, आज की OPD में, आज सोमवार की OPD थी जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, उसमें आज थोड़ी कमी देखी गई है। तो ऐसा लगता है कि कोरोना संक्रमण के भय को देखते हुए मरीज थोड़ा कम निकल रहे हैं। ऊपर से हमारे पास ये आदेश है कि आकस्मिक सेवा और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी OPD में, और आवश्यक सेवाओं में गर्भवती महिलाएँ और छोटे बच्चों को ले लिया गया है। हमारे अस्पताल में गर्भवती महिलाएँ और बच्चे ही ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए OPD तो चल रही है लेकिन उसमें कमी है, पहले की अपेक्षा थोड़ी कमी है। पिछले दिनों करीब 500 गर्भवती महिलाएं दिखाने आ रही थीं, वहीं आज आधे मरीज दिखाने के लिए आ रहे हैं। संक्रमण से बचने के लिए OPD में गेट पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं। हर मरीज और तीमारदार की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ हाथ सैनिटाइज कर प्रवेश दिया जा रहा है। OPD में हमने ड्यूटी लगा रखी, गार्ड की ड्यूटी लगा रखी है कि वो जो भी मरीज आ रहा है या उसके साथ वाले आ रहे हैं उनका हाथ सैनिटाइज करवाए और थर्मल स्कैनिंग से उनका टेम्परेचर देखे और वो मास्क पहने हो तभी उसके बाद एंट्री हो और मरीज भी दूर दूर खड़े रहे। चिकित्सकों को मास्क, सैनिटाइजर और PPE किट उपलब्ध कराई गई है। बहुत ही सावधानी के साथ डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं। इसके साथ ही चिकित्सक गर्भवती महिलाओं को भी सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे हैं जिससे जच्चा बच्चा सुरक्षित रह सके। OPD में सिक्योरिटी गार्ड और तीमारदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करा रहे हैं। चिकित्सक के पास सिर्फ मरीज को ही जाने की अनुमति दी जा रही है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।